देयर आर 22 ऑफिशियली आइडेंटिफाइड लैंग्वेजेस. भारत में बच्चों अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और अलग अलग बोलियां भी बोली जाती हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से 22 ऐसी भाषा हैं बच्चों जिसको आइडेंटिफाइड किया गया है, यानी जिसको माना गया है ऑफिशियली भारत की लैंग्वेज है. ऐसी 22 भाषाएं हैं बच्चों. और एंड इंडियन स्पीक अराउंड 150 वेरियस लैंग्वेजेस एंड यूज एज मैनी एज 30 वेरियस स्क्रिप्ट. 22 भाषाएं हैं बच्चों और बोलियां वेरियस स्पीक्स यानी जब हम बोलते हैं ना बच्चों वो बोलियां कहलाती है. ऐसे 150 वेरियस बोलियां हैं, लैंग्वेजेस हैं जो भारत में यूज होती हैं. और 30 स्क्रिप्ट्स का मतलब होता है बच्चों लिपि जिसमें लिखी जाती है लैंग्वेज. ऐसी 30 स्क्रिप्ट्स जो हैं हम जिसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों. स्क्रिप्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसे हम लोग बात करें हिंदी जो है, ठीक है ना, तो ये संस्कृत, हिंदी, संस्कृत ये सब है बच्चों. तो ये देवनागरी लिपि से, स्क्रिप्ट से, देवनागरी स्क्रिप्ट से लिखी गई है. हम लोग पंजाबी की बात करें बच्चों तो वो गुरुमुखी स्क्रिप्ट से लिखी गई है. हम इंग्लिश बात करें तो वो रोमन जो स्क्रिप्ट है, रोमन जो लिपि है उससे ली गई है. तो स्क्रिप्ट वो होती है बच्चों जिससे भाषा का निर्माण किया जाता है, ठीक है. तो ऐसी 30 अलग डिफरेंट स्क्रिप्ट जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं. बिसाइड दीज वेरियस काइंड ऑफ फूड, ड्रेस, कस्टम्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन फिजिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. वेरिएशन है, किस चीजों में वेरिएशन है? फिजिकल कंडीशन. मैंने बताया था बच्चों कई पहाड़ हैं, कई नदियां हैं, कई रेगिस्तान हैं, कई प्लेटूज हैं, कई समुंदर किनारा है. तो अलग अलग फिजिकल कंडीशन है भारत की. भारत बच्चों एक ऐसा देश है कि जहाँ पे हम हर तरीके का क्लाइमेट, हर तरीके की फिजिकल कंडीशन, हर तरीके का फिजिकल डिवीजन जो है भारत में देख सकते हैं. वो हम आगे पढ़ेंगे. There's a great variation in physical and climatic conditions. For instance, Ladakh is a cold. हम लद्दाख की बात करें, भारत में बिल्कुल टॉप पे है बच्चों हिमालयस के उधर. तो लद्दाख जो है वो बहुत ठंडी जगह है. Dry, high altitude, desert है. बिल्कुल ऊंचाई पे आया हुआ बच्चों. High altitude का मतलब होता है ऊंचाई पे आया हुआ desert है, रेगिस्तान जैसा एरिया. लेकिन वहां रेत नहीं है बच्चों, बर्फीला क्षेत्र है. While Kerala located on the coast of Arabian Sea is a green, hot and humid state. अब बात करें दक्षिण भारत की, केरला की, तो केरला जो है अरेबियन सी के किनारे पे आया हुआ है बच्चों. केरला तो वहां पे ह्यूमिड क्लाइमेट है, उमस से भरा क्लाइमेट है, गर्म क्लाइमेट, ग्रीन है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है बच्चों केरला में. एंड ह्यूमिड स्टेट है, रिच इन कल्चर एंड द फेमस फॉर इट्स बैक वाटर्स, और उसके बैक वाटर्स के लिए वो फेमस है. द वेरिएशंस इन द काइंड्स ऑफ ड्रेस, फूड, लिविंग स्टाइल बिटवीन द टू रीजन्स could not be a more pronounced. ठीक है बच्चों, लेकिन क्या होता है कि दो स्टेट्स के बीच का जो वेरिएशन होता है इसको ज्यादा हम लोग हमारे बीच नहीं लेके आते हैं, हमारे उसको बड़ा मुद्दा नहीं बनाते हैं बच्चों हम लोग कि जो हमारी भाषाएं अलग है या हमारे जो ड्रेसेस अलग है, हमारा फूड अलग अलग है जिसको. देयर आर वेरियस काइंड ऑफ सॉइल फाउंड इन अ वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री. अब हम लोगों ने देखा है कि बच्चों अलग अलग क्षेत्रों में जैसी भूमि होती है वैसी मिट्टी पाई जाती है. बच्चों हम लोग गुजरात जाएंगे वहां हमें काली कछारी मिट्टी मिलेगी, रेगिस्तान में आएंगे हमें या बालू रेत मिलेगी, पंजाब में हमें पीली मिट्टी मिलेगी, उपजाऊ मिट्टी में एलुवियल सॉइल मिलेगी. तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मिट्टी पाई जाती है. वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री इक्वली वेराइड आर अवर क्रॉप्स लाइक. अब जैसी मिट्टी होगी बच्चों अलग अलग प्रकार का क्रॉप भी होगा. हम लोग गुजरात की बात करें तो वहाँ कपास और मूंगफली की पैदावार होती है. हम लोग पंजाब की बात करें वहाँ गेहूं की पैदावार होती है. हम लोग इधर बांग्लादेश, हम लोग इधर पश्चिम बंगाल चले जाएं तो वहाँ पे चावल की पैदावार होती है. तो अलग अलग. अब राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे मक्का बाजरा की पैदावार होती है. तो अलग अलग जगह अलग अलग जो क्रॉप्स हैं उनकी पैदावार होती है. क्रॉप्स लाइक वीट मेनली प्रोड्यूस इन द नॉर्थ वेस्ट. यदि हम लोग बात करें, हम लोग एक मैप देखते हैं बच्चों. दिशाएं चार होती है लेकिन डायरेक्शंस आर, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट. ये हमने चार डायरेक्शन बना दिए, ठीक है बच्चों. अब हम बात करते हैं चार के, इनके बीच की जो होती है बच्चों ये नॉर्थ वेस्ट कहलाती है, ठीक है. यहाँ पे इनके जो ये जो बीच की स्पेस है बच्चों ये नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी, ये जो है बच्चों ये साउथ ईस्ट कहलाएगी और ये साउथ साउथ वेस्ट कहलाएगी. इनके बीच की जो डायरेक्शन है जो, ठीक है. तो यहाँ पे हमें नॉर्थ वेस्ट में क्या होता है बच्चों, वीट जो है नॉर्थ वेस्ट में, यानी बच्चों यहाँ पे पंजाब आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, तो ये सारा क्षेत्र आता था यहाँ पे वीट का, ठीक है बच्चों. वीट का प्रोडक्शन बताया गया है. कॉटन इन वेस्टर्न इंडिया, यदि वेस्टर्न यहाँ पे गुजरात मैंने बताया था बच्चों यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन होता है,
ठीक है बच्चों, और गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्रों में कॉटन का प्रोडक्शन, स्पाइसेस एंड कॉफी इन द साउथ इंडिया। यहाँ पे बच्चों कॉफी और स्पाइसेस यानी मसाले, केरला जो है बच्चों मसालों के लिए बहुत फेमस है बच्चों, स्पेशली ब्लैक पेपर और क्लोव्स के लिए, एंड कॉफी इन साउथ इंडिया एंड राइस इन ईस्टर्न इंडिया। और राइस की बात करें बच्चों तो इधर ईस्टर्न इंडिया में राइस का प्रोडक्शन देखने को बता, जो मैंने बताया था आपको पश्चिम बंगाल में। बर्निंग डेजर्ट, ह्यूमिड स्वैम्प्स एंड टोवरिंग, क्या क्या देखने को मिलता है बच्चों? बर्निंग डेजर्ट, जलते हुए रेगिस्तान, ह्यूमिड स्वैम्प्स, उमस से भरे हुए स्वैम्प्स यानी दलदल जिसको हम कहते हैं, या ऐसा क्षेत्र जहां पे पानी की मात्रा ज्यादा हो या कीचड़ की मात्रा ज्यादा हो। एंड टॉवरिंग, टॉवरिंग का मतलब यहाँ पे होता है जो ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं, आइसी माउंटेन्स। टावरिंग का टावर जो बच्चों आप देखते हैं जो हाइट पे होता है टावर कहलाता है, तो टावरिंग आइसी माउंटेन्स। ऑल दीज आर मोर आर फाउंड इन इंडिया, इन फैक्ट अवर कंट्री इज लाइक अ बैंक्वेट, ठीक है, एक बुके की तरह है हमारी कंट्री जो है बच्चों, एक फूलों का जो गुलदस्ता बुके जो होता है उसकी तरह है, जिसके अंदर अलग अलग कलर के फूल होते हैं, जिसके अंदर अलग शेप के फूल होते हैं, अलग अलग बागान से लिए गए फूल होते हैं। इस तरीके से हमारा जो देश है एक बुके की तरह है। विच फ्लावर हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट कलर, हर एक फ्लावर का अलग अपना कलर है, अलग खुशबू है, अलग शेप है, अलग गुणधर्म है, अलग क्वालिटी है, शेप साइज एडिंग वेराइटी टू इट्स ओवरऑल ब्यूटी। और जिस तरीके से बच्चों एक ही गुलदस्ते में अलग अलग कलर के फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं उस गुलदस्ते की शोभा बढ़ाते हैं, इसी तरह भारत में अलग अलग जाति धर्म लैंग्वेज बोलने वाले लोग भारत की शोभा को बढ़ाते हैं। आई होप बच्चों आपको डाइवर्सिटी इन इंडिया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग बच्चों एक बार इसको रीड करें और समझे। थैंक यू।